दोस्तों हम आ चुके हैं सिद्धपीठ श्री बजरंग घाट में। और बजरंग जय श्री घाट राम में आप भाई। सभी का स्वागत है। चंदू भैया जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? एकदम राम जी की कृपा से मस्त सब है। मस्त है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको दर्शन कराते हैं श्री बजरंग घाट के, सिद्धपीठ बजरंग घाट के। और यहाँ क्या क्या चीजें हैं इन सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों मंदिर परिसर की ओर हम चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ओम बुराड़ी लॉक्स में आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। और हम जिस समय में आए हैं उस समय में मंदिर परिसर बंद है किसी कारण से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा विश्वनाथ के थोड़े से दर्शन कर लिए जाए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। जय श्री राम। एंड इसके बाद में हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों यहाँ पे। तो हनुमान जी के मंदिर को हम देखेंगे सामने से देखेंगे दोस्तों। ये रहे हमारे हनुमान जी। जय जय सिया राम। जय श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। और आप जब यहाँ से व्यू देखोगे ना तो आपको बहुत ही सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा यहाँ से नदी का, वैन गंगा नदी का, जो कि अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता है बालाघाट की। एंड अब हम चलते हैं माता रानी के मंदिर की ओर में। और मंदिर में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे दो शेर के स्टैचूज हैं एंड यहाँ पे एक मिनी शेर बैठा हुआ है। देन यहाँ पे बड़े भैया जी। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। माता रानी के मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं दोस्तों। ये रही हमारी माता रानी विराजमान है। जय माता रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। लोकेश भैया जय श्री राम। जय श्री राम। और हम बाकी यहाँ पर देखेंगे छोटा सा गार्डनिंग किया हुआ है जो कि थोड़ा सा बच्चों के लिए मनमोहक सा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, किसी प्रकार के पॉलीथीन डिस्पोजल शराब की बोतल वगैरह लेके नहीं आना आपको। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे एंड नीचे उतरने के बाद में ना यहाँ से सारी की सारी नदी लग जाती है। यहाँ पर आप जो भी कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। और लोकेशन सच में बहुत ही प्यारी है। और वहाँ से व्यू दिखता है कुछ उस साइड का, है ना? वो क्या है मुझे नहीं पता, बट स्टिल बहुत अच्छी जगह है एंड लोकेशन बहुत प्यारी है। और वो जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन सा सर्कल, वो शायद नहाने के हिसाब से ऐसा कुछ है वहाँ पर सिस्टम। तो आप यहाँ पर जरूर आइए, ठीक है दोस्तों? दोस्तों तो ये रहा बजरंग घाट। और आपको कैसा लगा आपको वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल को दोस्तों। एंड मिलता हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों बजरंग घाट कैसे आना है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसके लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं आगे में। तो अभी हम बजरंग घाट से निकलेंगे सीधे बाहर की ओर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पर कैसे आना है, किस रूट से आना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, बजरंग घाट से। एंड आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे यहाँ पर आना है। यहाँ से राइट लेना है आपको, देन आगे ना आपको थोड़ा सा रेलवे का फाटक देखने को मिलेगा, इसे आपको क्रॉस करना है। देन हम यहाँ से मेन रोड की ओर जाने वाले हैं। अब यहाँ से आपको सीधे ही चलना है। ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट होता क्या है ना, जो कुछ लोग नए नए आते हैं जो बालाघाट के बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि प्रॉपर के बालाघाट के लोगों को शायद इतने इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। उनको तो पता है कैसे आना है, कहाँ से आना है। आपको रेंजर कॉलोनी से सीधे आना है, देन रेलवे फाटक क्रॉस करना है, देन आप फिर बजरंग घाट के रूट पर आ चुके हैं।
दोस्तों ये हम आ चुके हैं मेन रूट में, बालाघाट टू वाराणसी लालबर्रा रूट पे, जो कि गर्रा के लिए रोड जाती है। ये रही लोकेशन,